संघर्षशील, लंबा प्रशासनिक अनुभव, राजनीतिज्ञ और एक बेहतरीन इंसान। इन्हीं सब खूबियों को अपने में समेटे हुए ये हैं पूर्व आईएएस, संसद में सरकार के मुख्य सचेतक और बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल। आज इन्हीं की जिंदगी के कुछ अनदेखे, अनछुए और अनजाने पहलू जानने के लिए हमारी टीम पहुंच चुकी है बीकानेर के कॉलोनी स्थित इनके निवास पर। 20 दिसंबर 1954 को किशमितसर गांव में जन्मे अर्जुन राम जी शुरू से ही मेहनती और संघर्षशील रहे, साथ ही पढ़ाई लिखाई में भी होशियार थे। इन्होंने शुरुआती शिक्षा गांव में एक सरकारी स्कूल से शुरू की और 10वीं जवाहर जैन सेकेंडरी स्कूल मनीसह से की और डूंगर कॉलेज बीकानेर से भी कई डिग्रियां हासिल की। इनका शुरुआती जीवन भी संघर्षशील रहा। दरअसल अर्जुन राम के पिता स्वर्गीय लाखूराम मेघवाल किसान होने के साथ साथ बुनकर भी थे। अर्जुन जी न सिर्फ अपने पिता के साथ लगकर उनका हाथ बटाते थे बल्कि अपनी पढ़ाई का खर्चा भी खुद ही निकाल लिया करते थे। इन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई लिखाई का बोझ अपने माता पिता पर नहीं आने दिया। पढ़ाई में तेज सांसद जी ने न सिर्फ बीए, एमए, एलएलबी की डिग्री हासिल की बल्कि प्रोफेशनल डिग्री के लिए फिलीपींस गए और फिलीपींस यूनिवर्सिटी के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए की डिग्री हासिल की। एज ए टेलीफोन ऑपरेटर अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले पूर्व आईएएस बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल शुरू से ही संघर्षशील रहे, काफी लंबा संघर्ष रहा आपके लाइफ में। देखिए, मैं बीकानेर के पास एक छोटी सी जगह किशमी देसर, वहां मेरा जन्म हुआ। तो वो एक यूं समझिए कि आप उसको पिछड़ा मोहल्ला कह सकते हो या जिसमें कोई एजुकेशन का लेवल नहीं हो, इस तरह का एक मोहल्ला कह सकते हो। वहाँ मेरा जब जन्म हुआ और मैं एक गाँव के स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू किया, तो उस समय मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा, जिंदगी का सफ़र यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद मैं 8th क्लास में था तब मेरी शादी हो गई। पिताजी का ये कहना था, वो बुनाई का धंधा करते थे, उनका कहना था भी जब तक तुम फेल नहीं होगा तेरे को हम स्कूल नहीं छोड़ाएंगे। ये उनका बहुत बड़ा एक योगदान था। स्कूल छोड़ा भी सकते थे, कभी तेरी शादी हो गई बुनाई के काम में लग जा। पर मैंने क्या किया कि उनके ऊपर आर्थिक भार नहीं पड़े पिताजी पे, तो मैंने बुनाई का काम सीख लिया। हमारे यहाँ उन्हीं वस्त्रों का जिसमें आसन, कोटिंग, कंबल ये बुनते थे। हाथ से पिटलूम होती थी, नीचे खड्डे वाला, फिर हैंडलूम आ गए, हाथ से चलाते थे हैंडलूम। वो काम जब मैंने सीखा तो मैं कभी 20 रुपये, कभी 30 रुपये, कभी 50 रुपये का बुनाई का काम करके मैं स्कूलिंग में जाता था। पहले गांव के स्कूल में, फिर ज्वार स्कूल में, फिर फोर्ट स्कूल में, उसके बाद मेरी कॉलेजिंग डूंगर कॉलेज में शुरू हो गई। लेकिन मैं पढ़ाई का खर्चा मैं स्वयं ही। डिग्री हासिल करने के साथ ही शुरू हुआ इनकी नौकरियों का सिलसिला। अर्जुन राम मेघवाल को शुरू से ही राजनीति का कोई खास शौक नहीं था, पर हाँ आईएएस बनने का सपना जरूर था। अर्जुन राम मेघवाल फिलहाल लोकसभा में सरकार के मुख्य सचेतक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। इसके अलावा आवास समिति के सभापति के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल आज जिस भी मुकाम पर हैं, उसके लिए इन्होंने कड़ा संघर्ष किया। अर्जुन राम मेघवाल ने बतौर एडिशनल कमिश्नर एंटीविजन सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से वीआरएस लिया और लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के कहने पर बीकानेर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंचे। इससे पहले ये सीट बीजेपी से बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र के पास थी, जिसे पार्टी ने रिप्लेस कर अर्जुन राम मेघवाल को दी। 2013 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पार्टी ने इन्हें टिकट दिया और इस बार भी इन्होंने तकरीबन 3,19,000 वोटों से जीत हासिल की। शुरू में तो यही था कि मैं एक सर्विस करूं, एक अफसर बन जाऊं, यही था। लेकिन जैसे जैसे मैंने राष्ट्रवादी विचारों को सुना तो मुझे लगा कि राजनीति के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है। ये बीज वहाँ पड़ गए थे। और जैसे ही 2009 में पार्टी ने कहा कि आपको हम बीकानेर से सांसद की टिकट देंगे, तो मैंने कोई हेजिटेशन नहीं किया,
और वसुंधरा जी ने जैसे ही प्रस्ताव रखा मैंने स्वीकार किया, और उसके बाद 2009 का जब हमने चुनाव लड़ा तो वो चुनाव मैंने मजबूती से जरूर लड़ा, लेकिन राज कांग्रेस का बन गया था स्टेट में, हवा विपरीत चल रही थी और 25 में से हम 4 सांसद जीते। उसमें से बीकानेर से मेरी जीत होना, यहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का आशीर्वाद मिला, तो मैं जब 15वीं लोकसभा में बीकानेर की जनता के आशीर्वाद से पहुंच गया तो फिर मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। फिर मेरा जो परफॉर्मेंस 15वीं लोकसभा में है वो लोकसभा के रिकॉर्ड में भी है और बीकानेर की जनता भी जानती है कि हमें एक ऐसा सांसद मिला है जो बीकानेर की आवाज लोकसभा में बखूबी उठाता है। अर्जुन राम मेघवाल उन चंद सांसदों में शामिल हैं जिनको कई बार संसद के सितारे के तौर पर पुरस्कृत किया गया है। इनकी सदन में सक्रियता और काम करने का पता इस बात से ही लग जाता है कि पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने अपनी बुक में लिखा है कि अर्जुन राम मेघवाल जैसे कुछ सांसद हैं जिनकी वजह से संसद गरिमामय होता है। संसद के सितारे के तौर पे आपको अवार्ड भी मिला, लोग आपकी पहचान बनी, खास करके अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम जैसे बहुत इंडिया में एक बहुत नाम रखने वाले अपने हमारे पूर्व राष्ट्रपति साहब ने जब अपनी किताब में आपका नाम लिखते हैं तो उससे क्या प्रेरणा मिलती है, खास करके कितनी खुशी होती है? जब APJ अब्दुल कलाम साहब ने अपनी पुस्तक में उन्होंने ये कहा कि पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कैसे जनप्रतिनिधि होने चाहिए, ये बुक उनकी नई बुक आई है, और उसमें 15वीं लोकसभा में कौन कौन बेस्ट परफॉर्मर थे उसमें जिक्र किया, उसमें मेरा भी जिक्र किया। मैं APJ अब्दुल कलाम साहब को जब ये धन्यवाद देने गया और मैं वाकई बहुत थ्रिल्ड था, उत्साहित था, तो उन्होंने तुरंत, उन्होंने कहा आप आइए शाम को आना चाहते हैं, मैं गया, उन्होंने मुझे जाते ही जैसे ही मैंने धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा यू आर नॉट माई रिलेटिव, किस चीज का धन्यवाद दे रहे हो, जब तुम ब्रह्मपुत्र पे क्वेश्चन उठा रहे थे तो मैं तुम्हें वाच कर रहा था, मैं सोच रहा था ये पगड़ी वाला आदमी, टर्बन वाला आदमी, ये राजस्थान का है, ब्रह्मपुत्र की क्या इसको चिंता हो रही है। और जब ब्रह्मपुत्र पे चाइना ने बांध बनाया वो पहला क्वेश्चन आपका था, इससे भारत सरकार में हलचल हुई, तो मुझे लगा कि ये आदमी राष्ट्रीय सोच का है, इसको अंतर्राष्ट्रीय सोच की भी जानकारी है। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इस अवसर पर APJ अब्दुल कलाम साहब को कि उन्होंने 15वीं लोकसभा के जो बेस्ट परफॉर्मर 4-5 उनकी नजरों में रहे उसमें मेरा नाम भी उन्होंने अंकित किया। अर्जुन राम मेघवाल की दिनचर्या पर नजर डालें तो वहां भी अनुशासन साफ नजर आता है। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना इनकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सांसद साहब देर तक व्यायाम और योगा करते हैं, चाहे बीकानेर में हो या फिर दिल्ली में। ये कोशिश करते हैं कि योगा जरूर करें। देखिए सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद मैं ये प्राणायाम का कार्यक्रम है, इसमें योगा भी जुड़ा हुआ है, हल्की सी जॉगिंग भी जुड़ी हुई है, और ये मैंने एक सहज मार्ग का कोई कोर्स किया था किसी ज़माने में, तो सहज सिद्धि योगा करके उन्होंने सिखाया कि इसमें बिल्कुल प्राणायाम के माध्यम से आप अपने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को एकाकार करने के लिए 15-20 मिनट सुबह का समय देना चाहिए। वो प्रक्रिया करीब करीब मैं जारी रखता हूँ। ये प्राणायाम करता हूँ, नीचे झुकता हूँ, इधर होता हूँ, तो उनको लगता है ये क्या एक्शन है, लेकिन ये प्राणायाम से जुड़े हुए एक्शन हैं जिसमें मन को एकाकार करने का, बुद्धि को एकाकार करने का, जैसे ये करके मैं जब करता हूँ तो ये मूलाधार के साथ इसको प्राणायाम बोलते हैं, जैसे ये अब इसको बाबा रामदेव ये कह सकते हैं कि ये कपाल भारती है, बाबा रामदेव ये कह सकते हैं कि कपाल भारती है, लेकिन ये कपाल भारती के साथ मूलाधार से जुड़ा हुआ एक प्राणायाम है।
तो ये इसको मुझे लगता है कि यहाँ से शुरू होता है, ये ऊपर तक इसका सिस्टम चलता है, फिर इसको फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम से मैं इसका और उसके बाद एक प्रार्थना। पूजा पाठ का जो ये सो समय है ना, यही समय इसको मैं पूजा पाठ का ही समय मानता हूँ, ये जो समय प्राणायाम का, क्योंकि मनुष्य अगर शरीर मन चित्त बुद्धि और आत्मा इसको एकाकार कर लेता है तो इससे बड़ी कोई पूजा हो नहीं सकती। तो मैं जो अभी प्रार्थना जो इसके बाद करता हूँ वो पूजा पाठ का ही कार्यक्रम है। अस्तो मा सद्गमे, तमसो मा ज्योतिर्गमे, मृत्युर्मा अमृतम गमे, ये मेरी प्रार्थना के भाव रहते हैं और इसको मैं कई बार दोहराता हूँ और यही पूजा पाठ है। योगा से फ्री होकर अर्जुन जी निकल जाते हैं पशु पक्षियों को दाना देने। सांसद साहब को गाय सेवा का भी बड़ा शौक है, चाहे रात हो या दिन ये गायों को रोटी देना नहीं भूलते, साथ ही किसी की गौशाला में जाकर वहाँ के हालचाल भी जरूर जान लेते हैं। और बैल और ये जो इनका शुरू से ही मेरा कार्यक्रम रहता है बचपन से, और मेरा ये रहता है कि भाई ये आजकल प्लास्टिक की जो थैलियाँ खाते हैं ना, और अगर लोग अपनी ये रुचि बना लें कि गाय को गोदे को मुझे रोटी देनी है तो ये प्लास्टिक की थैलियाँ खानी बंद कर देंगे। तो इसके नाते भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अच्छा प्लास्टिक की थैली बायोडिग्रेडेबल होती है, गलन नहीं होती उसमें, एज इट इज रह जाती है, फिर उनके पेट में बीमारियाँ हो जाती है। ये मैं लंबे समय से कर रहा हूँ, यूँ समझिए बचपन से ही कर रहा हूँ। मेरे पिताजी माताजी को भी ये शौक था, वो मैंने हेरिडिटरी से इसको प्राप्त किया है। गायों को रोटी खिलाकर ये घर लौटते हैं और नाश्ता कर तैयार होते हैं। सांसद जी को खाने का भी बड़ा शौक है। ये दलिया, दूध दलिया, बस यही ये पसंद है और ये सुबह सुबह मैं दूध दलिया ही लेता हूँ मोटा मोटे। उसके बाद वैसे अगर दूर चला गया कहीं टूर में तब तो कहीं भोजन मिला तो ठीक है, नहीं तो दलिये पे ही, और कभी कभी ये दलिये के साथ कुछ न कुछ सब्जी रोटी भी दे देते हैं, इनको पता है कि आप आज खाना खाने नहीं आएंगे यहाँ। अधिकतर खाना बाहर का ही होता है, नाश्ता यहाँ का, फिर शाम का खाना घर का होता है। इन सब से फ्री होकर अर्जुन जी अब पहुंच रहे हैं सांसद सेवा केंद्र। घर पर ही इन्होंने एक सांसद सेवा केंद्र खोल रखा है जहां बैठकर ये लोगों की सुनवाई करते हैं। हाँ भाई गोपाल, कहीं से लाए थे? अब इसको देखोगे ना तो मुझे लगता है कि आप खुद ही मान जाओगे गलती हो गई। एमपी साहब बड़े सौम्य स्वभाव के, सभी के साथ मिलने वाले मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। आप हमेशा पब्लिक के बीच में रहना चाहते हैं, पब्लिक से मिलने जुलने के लिए आपने अपना एक, यहाँ बीकानेर जब भी आते हैं तो मिलने के लिए सांसद सेवा केंद्र है उसमें नियमित रूप से बैठते हैं, सभी से मिलते हैं। आपका जो व्यवहार है वो वाकई अनुकरणीय और पब्लिक के लिए बड़ा अच्छा मैसेज देने वाला है। इनका व्यवहार सबके प्रति बहुत अच्छा है, सबके प्रति मतलब जो भी इनको काम बढ़ाते हैं निष्ठापूर्वक करते हैं। मैंने सुबह 7:30 बजे उनको फ़ोन किया, लोकसभा चल रही थी, और शाम को 9:30 बजे ऑर्डर करा दिया इन्होंने। इससे ज्यादा त्वरित कोई भी एमपी काम नहीं कर सकता। यहाँ से निकलकर सबसे पहले पहुँचते हैं सफाई अभियान में। सांसद महोदय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके अभियानों को खासा अहमियत देते हैं। इनका मकसद होता है लोगों के बीच पहुँचकर उनको मैसेज देना। अब निकल रहे हैं क्षेत्र के दौरे पर। सभी के साथ बेहतर और सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाने वाले अर्जुन राम मेघवाल दिन भर लोगों से घिरे रहते हैं, घर हो, चुनावी क्षेत्र हो या फिर कोई और जगह। अर्जुन राम जी को हर वक्त लोगों की भीड़ घेरे रहती है। ये भीड़ इनके सियासी कद को भी दर्शाती है, साथ ही इनके व्यवहार और व्यक्तित्व को भी परिभाषित करती है। सांसद जी सबसे पहले पहुंचते हैं सेंट्रल जेल बीकानेर। यहां पर इनका स्वागत सम्मान होता है और कैदियों के साथ एक प्रोग्राम भी। पुछ, पुछ, पुछ।
यहाँ कैदियों की हौसला अफजाई करते हैं और सही राह पर चलने की नसीहत भी देते हैं ताकि ये बाहर निकलकर सही राह चुन सकें। यहाँ से निकलकर सांसद साहब कई और प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं और फिर देर रात पहुँचते हैं घर। सांसद जी फैमिली को ज्यादा वक्त तो नहीं दे पाते, पर हाँ सुबह शाम में से कभी भी थोड़ी देर जरूर परिवार के साथ बैठते हैं। सार्वजनिक जीवन जीने वालों को परिवार में बहुत कम समय देना चाहिए, वही मैं कर रहा हूं। पब्लिक ही परिवार है। हमारे प्रणेता अटल जी, उन्होंने कहा क्या परिवार, जो सार्वजनिक जीवन जी रहा है उसका पब्लिक परिवार है। मोदी जी भी यही कह रहे हैं और मैं तो पहले से ये कर रहा हूं। फिर भी अगर आवश्यक होता है तो मैं समय निकाल लेता हूं, लेकिन वाकई बहुत कम समय निकाल पाता हूं परिवार के लिए। परिवार के लोग कई बार इससे नाराजगी भी प्रकट करते हैं, जैसे कई बार, एक बार मेरे बहन का यहाँ कोई कार्यक्रम था, मैं नहीं जा पाया। 12 मई 1968 को पाना देवी से इनका विवाह हुआ। कम उम्र में ही शादी होने के बावजूद अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। ये अपनी तरक्की का सारा श्रेय अपनी पत्नी को ही देते हैं। चार भाई बहनों में सबसे बड़े अर्जुन राम मेघवाल जी अपने माता पिता के भी काफी करीब थे। माता पिता को अपना आदर्श मानने वाले सांसद जी उनके साथ बिताए पलों को आज भी नहीं भूले। सांसद साहब की चार संतानें हैं, जिसमें दो बेटे और दो बेटियां हैं। नाती पोतों से भरा परिवार इनकी खूब तारीफ करता है। सारी चीजें अच्छी है, मैं तो गुस्सा नहीं आता। अब देखो कभी भी हंसमुख रहते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। ऐसे आदमी बिरले ही मिलते हैं, जैसे नॉर्मली ऐसे आदमी होते नहीं है। आदमी आपको मिलेंगे, कोई ना कोई कमी मिल सकती है, लेकिन अगर आपको ढूंढोगे तो इनमें कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। नहीं, हम कॉपी तो नहीं कर पाएंगे उनकी, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हम कोशिश करते हैं, जैसे भजन गाते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं, भजन गाते हैं और भी भाषण देते हैं, कला की सीखने की कोशिश करते हैं। जब से MP चुन करके गए, लगातार 5 साल तक सर्वोच्च सांसद रहे, श्रेष्ठ सांसद रहे। 5 साल तक लगातार रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसके साथ ही साथ 3 साल तक लगातार सांसद रत्न का अवार्ड भी आपको मिला, उससे इस बड़े सम्मान से भी आपको नवाजा गया, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मैंने उनसे मेन मुख्य रूप से ये देखा है कि एक तो वो मेहनत है, मेहनत कितनी भी करवा लो, खूब मेहनत करते हैं, तो हमको हमेशा ये प्रेरणा मिलती है कि हमेशा मेहनत करते रहो और बिना फल की चिंता के मेहनत करनी है। बहुत सारी बातें हैं, तो सब एक तो ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा लिबरल हैं, सोच को लेके बहुत स्पेस देते हैं लोगों को, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। पापा की बहुत सारी खूबी ऐसे तो, लेकिन वो मैं जब पढ़ती थी तो चाहे सुबह की मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक हो, वो मुझे, हम दोनों बहुत घूमने जाते थे, साइकिलिंग करते थे, आगे पीछे भागते थे एक दूसरे के, वो मुझे हमेशा याद आता है और उसको मैं भूल नहीं सकती। मेरी डिमांड ये रहती है कि जब भी वो आते हैं मुझे टिप टॉप जरूर लाना आता है, कुछ ना कुछ तो लाती ही हूँ मैं। सांसद साहब को खाना बनाने का भी बड़ा शौक रहा है। इसके अलावा बैडमिंटन खेलने और क्रिकेट मैच देखने का भी इन्हें काफी शौक रहा है, पर सबसे ज्यादा शौक तो भजन सुनने और सुनाने का है। अर्जुन जी बचपन में पिता के साथ भजन गाया करते थे। आज भी ये जिस प्रोग्राम में जाते हैं वहाँ लोगों के कहने पर भजन जरूर सुनाते हैं। आपके फादर जो थे वो भजन बहुत अच्छा गाते थे, तो कितना दिलचस्पी रही और खास करके फादर का कितना साथ रहा? बचपन में मुझे हमारे यहाँ पे रामदेव जी का एक जागरण होता है, रामदेव जी का जम्मा जिसको बोलते हैं, उसमें वो ले जाते थे मुझे, तो मैं संगीत भी सीख गया, तंदूरा बजाना भी सीख गया, हारमोनियम बजाना भी सीख गया, ढोलक बजाना भी सीख गया और भजन गाना भी सीख गया। ये मुझे लगता है हेरिडेटरी है, पिताजी की देन है। उसके बाद जब मैं स्कूल में गया तो मुझे एक लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ नाम के ऐसे मुझे संगीत के शिक्षक मिले, उन्होंने मुझे संगीत में और पारंगत किया, और प्रार्थना बोलने वाले जो 5 लोग थे उसकी टोली में जब से मैं सम्मिलित हो गया, उसके बाद से मेरा ये संगीत का जो साधना का क्रम चलता रहा। और आज भी कहीं मुझे कहीं मौका मिलता है तो मैं लाइक करता हूँ,
संगीत में, शास्त्रीय संगीत में भजन गाना मुझे बेहद पसंद। कौन सा भजन बहुत ज्यादा पसंद रहा जो पहले भी गाते रहो, जो आज भी जब मौका मिलता है तो जरूर एक बार गुनगुनाते हैं? देखिए, सूरदास जी का एक भजन, प्रभु मेरे अवगुण चितना धरो, ये मुझे उस समय भी अच्छा लगता था और आज हम राजनीति में आ गए हैं इस समय भी अच्छा लगता है कि प्रभु मेरे अवगुण चितना धरो। एक लोहा पूजा मेरा खत, एक घर बधिक परो। इनके गाए भजनों में भी लोगों के लिए कोई ना कोई शिक्षा छुपी रहती है। ध्यान आ रहा है? एक लोहा पूजो हो प्रभु जी, एक घर बधिक परो। सो दुविधा पा रस नहीं जानत, सो दुविधा पा रस नहीं जानत, कंचन करत खरो। ओ प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो।